Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रही है मिक्स वेजिटेबल। तो इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, ये मेरे पास मटर है, ये 2.5 किलो मटर है, ये मेथी है, ये 1 किलो मेथी है, और ये गाजर है, ये 1.5 किलो गाजर है, ये मेरे पास पनीर है, और ये मेरे पास प्याज है, ये प्याज जो है ये 1.5 किलो है। इसी तरह ये मेरे पास आलू हैं जो मैंने काट के रख लिए हैं, आलू जो है ये भी 2.5 किलो हैं। बाकी के मसाले, ऑयल जो भी मैं डालूंगी मैं आपको हाथ के हाथ ही दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ। तो ये है मेरे पास अदरक, 10 से 15 हरी मिर्चें और लहसुन का एक पूरा बंच, इसकी हम पेस्ट तैयार करेंगे। और ये है मेरे पास 1 पाव के करीब टमाटर, और ये टमाटर जो है हम इनको भी मिक्सी में डालेंगे, तो लहसुन और हरी मिर्ची के साथ इसकी पेस्ट तैयार करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ऑयल मैंने डाल दिया है। ये मैंने 2.5 कप ऑयल लिया डाले। ये वेजिटेबल जो हम 25 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हर चीज़ उसी हिसाब से हम लोग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ प्याज हमारे जो सॉफ्ट हो गए हैं, हम प्याज़ों को काला नहीं करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच ये मैंने जीरे का, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, 2-3 टुकड़े लौंग के, और 1 हरी इलायची डाली है। इसको हिलाएँगे, जीरा डाल के 1-2 मिनट के लिए इसको हिलाएँगे। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार की है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर लगा लेंगे। अब टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट जो हमारी बनाई। अब ये मसाले हैं, ये देखिए, ये मेरे पास 1.5 चम्मच भर के हल्दी का है, लाल कुटी हुई मिर्ची 1 टेबल स्पून है, ये 1 चम्मच मेरे पास जीरे का पाउडर है, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 3.5 चम्मच भर के मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, इसी तरह मेरे पास 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। बस हम यही स्पाइसेस इसमें डालेंगे, इसको इस तरह डालेंगे। नमक भी कभी नहीं डालूंगी, नमक पहले डालूंगा तो सब्जियाँ सारी सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़रा सा पानी को छिटा देंगी, इसको 2-3 मिनट अच्छे से भुनेंगे। फिर हम इसको सबसे पहले अपनी वेजिटेबल में से गाजर डालेंगे। सब्जी जरूरी यही है कि तमाम चीज़ें जो है वो वेल भी जाएँ और कोई सब्ज़ी टूटे भी नहीं। इनकी बरकत के साथ सबसे पहले हम इसको गाजर डालेंगे, इसको गिराएंगे। 10 मिनट पहले हम गाजर को अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही गाजर ज़रा सी सॉफ्ट होगी तो फिर इसमें हम बाकी की वेजिटेबल डालेंगे। इसी स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जैसे मेरी गाजर सॉफ्ट होगी फिर मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वेजिटेबल मैंने क्या डाला। इसके अलावा पानी रिंग के बर्तन के साथ देखिए गाजर हमारी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी। अब हम इस स्टेज पे हम इसमें मेथी डालेंगे। जल्दी सारी आप यहीं भी मेथी के साथ ही हम इसमें दही डालेंगे। ये है 1/2 प्याली के करीब दही इसमें जाएगा, इसको मिक्स करेंगे। दही डालने से मेथी में जो एक कड़वाहट सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसको 5 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें बाकी की वेजिटेबल डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। डालने के बाद मैंने इसको भून लिया। अब इसमें टमाटर मटर डालेंगे, 2.5 किलो की करीब मटर है डाले, और इसी के साथ हम इसमें मटर डालेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अच्छे से हिलाएंगे। पनीर इसमें अभी नहीं डालेंगे, माशाल्लाह से तो मुझे खिलाने में थोड़ा सा 5 मिनट। अब इस स्टेज पे सारी सब्जियां डालने के बाद इसको भूनेंगे। भून के इसमें 2 ग्लास पानी के डाल के इसको
हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी सब्जी गलेगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि पनीर हमें पनीर कब डालनी है। ठीक है, मैं बस पानी ले रही हूँ कि बर्तन के साथ आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने भी पानी जो है वो रिलीज़ किया है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच सूखी मेथी का डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको दम की आँच पे तब तक बनाएंगे जब तक कि ये पानी जो है वो ग्रेवी की शक्ल में तैयार कर जाए। तो फिर आपको दिखा इसके अलग रखमान लेने की बर्तन के साथ ये पनीर है और इसको 2 चम्मच ऑयल में मैं जो है फ्राई करूँगी और जैसे हमारी वेजिटेबल गल जाएगी तब हम इसको उसके ऊपर डाल देंगे। इला रखमान रंग की बरकत के साथ हमारी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो गई, मैंने डिश आउट कर ली है और पनीर जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।